हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर, देखना शुरू कर चुके हैं हमारी प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू के बेहतरीन सीरीज, जहां पर वैसे तो मैं कॉलेजेस के बारे में चर्चा करता हूं, लेकिन आज मैं जोसा काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। बहुत सारी गलतियां आप इन काउंसलिंग्स के दौरान करते हैं, वो ना करें, उनसे आप कैसे बचेंगे, उन चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। जोसा काउंसलिंग के थ्रू अब की बार आपको 118 इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेंगे, जिसके अंदर आप देखते हैं कि 23 क्या है भैया IITs हैं, 31 NITs हैं, IIT शिवपुर बहुत ही बढ़िया शानदार वाला कॉलेज है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी जानना चाहते हैं तो भैया जाएं ये वीडियो देख लीजिए, आपको इसी प्लेलिस्ट में ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर मुझे ये बताना था आपको कि भैया IIT शिवपुर में आप एडमिशन जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही ले पाएंगे। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं। 26 IIITs में यहां से एडमिशन हो जाएगा। और अगला लिखा है कि 38 अदर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां पे आप इनके थ्रू एडमिशन पाएंगे। भैया हमने कभी ये नाम सुने नहीं है, GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। देखो भाई, IITs, NIT, IIITs ये थोड़ी फेमस हैं, लेकिन बाकी जो 38 और ऐसे कॉलेजेज हैं जिनको या तो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, उनको मिलाकर के एक नाम दे दिया गया गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये सब में एडमिशन जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, यहां पर मैंने वही लिख रखा है कि GFTIs में आप एडमिशन लेते हैं, IIITs में लेते हैं, NITs एंड IITs में एडमिशन ले रहे होते हैं। किसके थ्रू? जोसा काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बार का जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया उसमें 75% आपके 12th ग्रेड में होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर आ पाएंगे भैया जोसा काउंसलिंग के अंदर, या आप अपने बोर्ड के टॉप 20% में होने चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट गिव जेई मेंस, वो तो ऑब्वियस ही बात है, जेई मेंस देंगे। और अगर आप जेई मेंस के साथ साथ अब वो अगर जेई एडवांस दे चुके होंगे, अब तक तो आपको पता ही है, अगर आप एडवांस दे पाए होंगे, योग्य हैं, तो निश्चित रूप से आप IIT के लिए एलिजिबल हैं, IIT के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, है ना। जिसके मान लो 2,00,000 रैंक है और वो पेपर दे चुका है जेई एडवांस का, तो जितनी भी रैंक उसकी आई हुई है, अगर वो पास होता है, जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप निश्चित रूप से IIT के लिए आप काउंसलिंग भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी निश्चित रूप से जेई मेंस के थ्रू आप NITs, IIITs और अदर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी, मामला क्लियर है? यस। अगला देख लेते हैं क्या है भैया, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है उसको हम आज समझेंगे, देखते हैं। जोसा काउंसलिंग स्टार्ट्स आफ्टर द जेई एडवांस रिजल्ट। जेई एडवांस का जैसे रिजल्ट आ जाएगा तुरंत ये बात शुरू हो जाएगी। देखिए, स्टेप वाइज हमने एकदम बना रखा है ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। पहला कार्यक्रम है भैया रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहां पर कोई पैसे वैसे शुरुआत में नहीं देने हैं। जोसा आपसे कोई भी पैसा रजिस्ट्रेशन का नहीं लेगा जो सर्विस दे रहा है, लेकिन जब आप सीट की अलॉटमेंट करेंगे, मतलब जैसे आपको एक सीट मिल गई, अब उसको आप लॉक करेंगे, तब उसके लिए आप पैसे देंगे। नहीं तो आप सोच के देखो ना, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो भैया जोसा कैसे ये मान ले कि आप उस सीट को लेंगे, तो इसलिए वो आपसे पैसे ले लेती है। बात समझ में आ गया, ताकि उसको भी भरोसा रहे, है ना जी। नहीं तो आप ऐसे सीट ऐसे तो सब लोग कर देंगे, लॉक कर दे, पैसा ना भरे, तो ये तो दिक्कत कर जाएगा, इसलिए वो थोड़ा पैसे लेते हैं। लेकिन कब लेते हैं? इन प्रोसेस में कोई पैसा नहीं लगने वाला, लास्ट में जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तब जनरल के बच्चों से वो 35,000 रुपए लेते हैं, और जो SC ST एंड PWD के अंदर आते हैं, PWD में किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो मेरे भैया आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। और एक बात और भैया, ये फीस जो ले गए ये अपना ये जोसा काउंसलिंग वाले ले गए नहीं, ये जो आप पैसे देंगे वो इंस्टीट्यूट के फीस में कंसीडर हो जाएंगे। डोंट वरी, अगर आप 35,000 रुपए जनरल का बच्चा देते हैं तो किसी भी NIT में आप जाएंगे, जो पहले सेमेस्टर की फीस होगी उसमें से -35,000 हो जाएगा, तो मतलब वो क्या होता है इंस्टीट्यूट को पहुंचा देते हैं। लेकिन इनका काम यह है कि कम से कम ये तो कंफर्म रहे कि इस सीट पर बच्चा आने वाला है ना। नहीं भरोगे तो कम से कम किसी और को मिलने का चांस होगा। और जोसा के टोटल 6 राउंड्स होते हैं, तो 6 राउंड्स में अगर आपका नहीं होता तो इसके बाद एक लास्ट में होता है CSAB राउंड, जिसमें आप देखते होंगे अक्सर हाई रैंक्स वाले बच्चे जो होते हैं, हाई रैंक्स मतलब यहाँ पे इस तरीके से बोल देता हूँ, जिनके ज़्यादा रैंक आ गई है, 1,00,000, 1.5 लाख रैंक वाले बच्चे जो हैं, वो भी एडमिशन कहीं ना कहीं पा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ सीट्स बची रहती हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो पहला प्रोसेस तो ये है, फिर चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है। तो फिल योर चॉइस, योर होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ठीक है,
चॉइस को आप यहाँ पे क्या करिए, फिल करिए अपने के हिसाब से। अब देखिए, समझना ध्यान से। अब यार मान लो, मैं एक आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो आपकी रैंक है 10,000 जेईई मेंस में, तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि यार मेरे को NIT त्रिची की CS चाहिए, नहीं मिलेगी। ये तुम भी जानते हो, ये बहुत ओपन सी चीज़ है ना। तो इसी तरीके से जो टॉप 4, 5 या 10 कह लेता हूँ, जो इस तरीके से मैं बोलूँ कि जो NITs हैं या जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें CS नहीं मिलने वाली है ना 10,000 के रैंक पे। बाकी जगह जैसे स्टेट कोटा लगा करके इन सबको आप एक बार चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ NITs निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कम से कम जो शुरुआती 3-4 NITs हैं वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये बात आपको पता, तो उसको दिमाग में ये बात रखें कि भाई अगर मेरा मान लो रैंक जो 10,000 है, तो कम से कम मैं ऐसे कॉलेजेस को फिल करूं जो 7,000 रैंक पर भी मिलती हैं और जो 15,000 रैंक पर भी मिलती है। मतलब आप 10,000 का जो रैंक ब्रैकेट है उसको क्या करिए, 5,000 रैंक ऊपर कर लीजिए, 5,000 रैंक नीचे, तो उस तरीके से प्लस माइनस 5,000 रैंक कर लीजिए। मतलब कि 5,000 से लेकर के 15,000 रैंक में जो भी कॉलेजेस अब तक पिछले साल मिलते आए हैं, उनको आप अपना पेन और कॉपी लीजिए, एक बार खुद से लिख लीजिए 15 से 20 कॉलेजेस को। इतने समझदार तो होंगे, नहीं होंगे तो आप कॉलेज रिव्यूज की ये वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया किस तरीके से ये फिलिंग करनी पड़ती है। क्लियर है मामला, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये देखो, कई बार बच्चे क्या होते हैं सोचते हैं, जैसे IIT की बात मैं बताऊं, अभी मैं NITs पे ही क्यों चर्चा कर रहा हूं, लेकिन चलो मैं IIT के बारे में ले लेता हूं। कई बार भाई बच्चे को लगता है मेरे को IIT बॉम्बे का CS, लेकिन तुम्हें पता है 60 से 70 रैंक तक वो बंद कर देंगे। तो 60 से 70 रैंक तक बंद कर देंगे, अगर वो भी जे एडवांस के रैंक में, तो हम क्यों फील करें। तो हमें पता होता है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, तो इससे थोड़ा दर्द कम रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस भी ब्रैकेट पे आप अप्लाई करते हो, उसे 5,000 रैंक पहले, 5,000 रैंक बाद में, इतने तक के ब्रैकेट के कॉलेजेस को आप लिख लीजिए, उसमें से बेस्ट कॉलेजेस को सर्च करिए, बनाइए अपनी लिस्ट, खुद से तैयार करिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गलतियाँ कर जाएंगे अगर वो सावधानी से इन प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो। ठीक है जी, आइए अगला देखते हैं, लॉकिंग ऑफ सीट। ठीक है, ऑप्शन आपको कैसे मिलता है, फ्रीज मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, स्लाइड मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ इनका मतलब क्या होता है, डरना कतई नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहीं पे, इन्हीं तीन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, इस बार बच्चा डरता है, तो मैं समझाता हूँ। लॉक करने पर, वैसे तो तुम्हें लॉक करने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से सिक्वेंस को सेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, मैं बताऊँगा यहाँ क्या करना, क्या लॉक करना है। जैसे फ्रीज का मतलब ये होता है कि देख भाई मेरे मन का था, मुझे मिल गया, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे इसके आगे जो है आपकी इस काउंसलिंग में जाना ही नहीं है, मतलब अगले राउंड में उतरना नहीं, तो इसको कहते हैं मैं फ्रीज कर रहा हूं अपने सीट को। तो मीनिंग ऑफ फ्रीज क्या है, दैट यू डोंट वांट टू चेंज योर चॉइस। अब आप चॉइस चेंज करना नहीं चाहते, अब जो कर दिया वो कर दिया वाली कहानी है। तो ये वाली बात आती फ्रीज में। सीट आपको मान लीजिए कि पहला राउंड हुआ, उसका आपको सीट एक अलॉट हुई, आपने कहा भैया ये हमारा डन है, तो आपने फ्रीज कर दिया, कहानी आपकी खत्म है। इसके बाद आप क्या करिए, अगले स्टेप्स को फॉलो करिए, फीस भरिए, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार अभी प्रसन्न नहीं है, जो कि अक्सर लोगों के साथ यही होने वाला है कि यार मजा नहीं आया, मुझे अगले वाले स्टेप में जाना है, तो आप फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने का मतलब है That you want to keep the allotted college, but still hope for the best in the next. Obviously, यार अगर मान लो किसी राउंड वन में आपने राउंड वन का रिजल्ट निकला, टू में आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया वाला कॉलेज मिल जाए, और आप साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जो वन में मिला था उससे खराब ना मिले, ऑब्वियसली सब लोग यही चाहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लोट। तो फ्लोट का कई बार गलत मतलब बच्चे ये निकाल लेते हैं कि फ्लोट का मतलब है वो पीछे वाला गया, सिर्फ आगे जो मिलेगा उसी पर कमांड होगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर है, तो फ्लोट समझ में आ गया। स्लाइड का मतलब समझना, स्लाइड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप राउंड वन में कोई एक कॉलेज पा जाते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, मान लीजिए कि NIT पटना ले लेता हूं, NIT पटना का आपको एक कोई सा ब्रांच जो है अलॉट हो जाता है, कोई भी ब्रांच अलॉट हो जाता है, और आपको लगता है नहीं यार मेरा ब्रांच ठीक होना चाहिए उसी कॉलेज में। अगर आपको उसी कॉलेज में ब्रांच ठीक करानी है, तो उसके लिए प्रोसेस होता है स्लाइड। ठीक है, तो इन तीनों को चीजों को आप समझ लें। स्लाइड का मतलब क्या है, दैट इज सेम कॉलेज बट ब्रांच इज डिफरेंट, आपको क्या करना, अपग्रेड कराना अपनी ब्रांच को या बदलना है, तो उन कंडीशंस में आप स्लाइड करते हैं। तो शायद इन तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। और एक बात और है, जब ये चीज़ें, जब जोशा काउंसलिंग आप करेंगे, तब इन सबका सही से मतलब आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो सामने दिखता रहेगा। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर देखें, ऑलवेज चूज, यहाँ पे एक चीज आती है, मैं लॉक वाली बात बता रहा हूँ, यहाँ पे समझना, ऑलवेज चूज यहाँ पे ऐसे समझ लो, विल लॉक माई चॉइस लेटर। ये क्या कहना चाह रहे, कि वहाँ पे ऐसा आता है कि आप जैसे चॉइस फिलिंग करा, चॉइस के फिलिंग के बाद एक ऑप्शन आता है कि विल लॉक माई चॉइस लेटर, मैं अपने चॉइस को आगे जो है लॉक करूंगा। तो हमेशा कृपया यही करें,
क्योंकि मैं बताता हूं, अगर मान लो आपको बदलना हुआ तो आप आराम से बदल पाओगे, एक बार लॉक कर दोगे फिर नहीं बदल पाते हो। तो इसलिए कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि आप केवल यही पॉइंट चुनेंगे, विल लॉक माई च्वाइस लेटर, ठीक है, कि मैं अपने च्वाइस को बाद में लॉक करूंगा, अभी एज इट इज सेव और कंटिन्यू आता है तो सेव करके आप आगे बढ़ जाइए। जितना आपने अपनी सिक्वेंसिंग बनाई हुई है वैसा ही रहेगा, लॉक नहीं हुआ रहेगा अगर आपने ये चीज चुनी हुई है। और एक बात और बताता हूं, आप सोचेंगे मान लो भैया वो जो डेट चली गई तब क्या होगा, तब तो वो अपने मन से दे देगा। नहीं, जिस सिक्वेंस में आपने सेव एंड कंटिन्यू किया था वही सीक्वेंस लॉक अपने आप मान लिया जाएगा, तो सिस्टम विल ऑटो लॉक एट लास्ट। तो लास्ट में जो भी आपने यहां पे रखा होगा वो एट द एंड क्या करेगा, उसी को लॉक करके आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के घाटा तो है ही नहीं। तो कुल मिला के कहानी इतनी है, यहां सावधान रहना है कि भैया अपने को लॉक खुद से नहीं करना है, करना भी है तो कम से कम शुरुआत में तो पहले दिन नहीं करना, जैसे तुरंत आया तुरंत नहीं करना है, चॉइस को ठीक ठाक फिल कर लें, अगले दिन चेंज कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, कॉलेज एंड ब्रांच चेंज कर सकते हैं, इन सब का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन लॉक कर दोगे तो नहीं होगा। मैं कई बार इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं बच्चे, ठीक है, ओके। तो ये ना हो कि आप जा रहे हैं फॉर्म भरने तो किसी और के भरोसे गए, आपको उसको भी नहीं आता कुछ, तुम्हें भी नहीं आता कुछ, तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए समझाया जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, सीट अलॉटमेंट का फिर रिजल्ट आता है। भाई आपने चॉइस फिल कर दिया, चॉइस फिल करने के बाद आपके जो सीट अलॉट हुए हैं उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट द सीट एज पर योर चॉइस, ऑब्वियसली है ना। अगर आपको ये हो जाता है फिर क्या होता है, आपको फीस पे करना होता है। सीट आपको अलॉट हुआ, आपको लगा हाँ ये तो बढ़िया है, तो आपको क्या करना है, अब इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी यहाँ पर भरनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ताकि जोसा को भी ये लगे, ये अथॉरिटी ये समझे कि भैया ये बच्चा आने के लिए सीरियस है एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये 35,000 रुपये कहीं मैं बैंक से लोन लूँगा कॉलेज में जाने के बाद। नहीं भैया, ये अभी की ज़रूरत है, अभी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कॉलेज में जाके आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको लोन कैसे मिलेगा, तो इसलिए ये पैसे आपको पहले से जुगाड़ करके रखने पड़ेंगे। ये बहुत सावधानी से बता रहा हूं, कई बार बच्चे इन पैसों को इकट्ठा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस प्रोसेस में यहां पैसा ना जमा करने की वजह से वो सीट उनकी चली जाती है, क्योंकि भैया जोसा ये समझ रहा है कि आपने लॉक भले किया हो, आपको अलॉट भले हुआ हो, लेकिन क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए तो आप सीरियस नहीं हैं, बात समझ रहे। तो इसलिए ये पैसे तो भैया आप अपने पास अब जुगाड़ करना शुरू कर दें, घर परिवार में ये बातें बता दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, ऑनलाइन भी सबमिट होता है, फिर इंस्टीट्यूट जाएंगे, फिर वहां भी एक एक करके आपकी चेकिंग की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ लिखे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मेन यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अब से कुछ फोटोज वगैरह लगेंगे तो वो मैंने यहां पे नहीं लिखा है, ठीक है। फोटो तो खिंचवा लेना, 15-20 फोटो अपने पास रखना, ये पूरे एडमिशन के प्रोसेस में खर्च हो जाएंगे, ठीक है जी। आइए देखते हैं, 10th की मार्कशीट जानते ही किस काम आया, आज तक सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताने के काम में आता है, तो ये इस काम में आ जाएगा। अगला देखते हैं, 12th की मार्कशीट, यहां से आपको वो परसेंटेज जो लिखा हुआ है 75% वो यहां से बताएंगे वो। इसके बाद ऐसे लोग जिनको कुछ छूट मिल रही है अपने कास्ट की वजह से, वो सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें, ठीक है। ये अगला क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी सबमिट करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसलिए जैसे NIT है तो बहुत सारे NIT में क्या है, 50% सीट रिजर्व्ड होती है, तो डोमिसाइल है कि नहीं है वो बात कंफर्म करने के लिए ये आपको देना पड़ता है। तो शायद आपको ये बेसिक बातें सारी समझ में आ गई, एक्चुअली सच बताऊं तो इतना ही प्रोसेस होता है, और इसके बाद आपका समझ लीजिए कि यहां पे आपको कॉलेज मिलने वाला है, कहानी इतनी सी है। तो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है जोसा का, मेन तो यही होता है जितना बताया मैंने। अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं, लेट्स सी द प्रोसेस ऑन द साइट, है ना। ये 2018 के हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा दिखा रखा है, ये क्योंकि पुराना वाला ही मिला था। रजिस्ट्रेशन पोर्टल, बस मैं दिखाता जाऊंगा, कुछ ऐसा दिखेगा। कुल मिला के मैंने शुरू में ये लिखा हुआ कि जोसा, यहाँ पे लिखना josa.nic.in, इसी पर आपको आना है, ठीक है। अब थोड़ा कलर वलर अलग दिखेगा, ठीक। और हर बार एक चीज ध्यान देना, इसको आप समझो कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक पे खोल के ही रखो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, या अपने फोन में इसको यस क्या करिए सर्च मार के रखिए, ठीक है। यहाँ पे न्यू करके आता है, जैसे न्यू आए उस पर क्लिक करके एक बार उसको रीड कर लीजिए, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, खाली हो, ज्यादा कुछ काम है नहीं, तो ये अभी के लिए नहीं, जब ये प्रोसेस शुरू होगा काउंसलिंग का तब के बाद से जहां जहां न्यू रहेगा कृपया उसको चेक करते रहें, पढ़ते रहें, इसके बाद आप अपने आप समझ जाएंगे। मैं तुम्हें सच बताऊं, यही न्यू के बाद आपको आगे की वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ वो बताते हैं, ऐसा कुछ धक्का और धमाका नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो उनको पता है भाई बच्चा पार्टी बहुत मारेगी, इसलिए वो सावधान रहते हैं इस मामले में, ठीक है। लॉगिन पोर्टल है, लॉगिन करिएगा,
रोल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन रहती है, फिर यहाँ पर डालिए, लॉगिन कर लीजिए, आप इंटर कर जाएंगे। बाकी डेटा तो उनके पास आपने पहले से ही फिल करके भेजा हुआ है जो आपने फॉर्म भरा था, ठीक है जी। आफ्टर लॉगिन क्या रहेगा भैया, वो आपसे पूछेगा कि भैया मैं सारा डेटा यहाँ पे रहेगा, भैया यहाँ पे कुछ रहता है आई अग्री आई डोंट एग्री, आई अग्री के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अथॉरिटी ये है तुम नहीं, तुम उसको यूज करने जा रहे हो, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं, ये क्या है भैया, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। चलो ये भी देख लेते हैं, कुछ ऐसा सा आएगा, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर लिखा रहेगा, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, नेशनैलिटी, ये सब कुछ कहानियाँ यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा हूँ, इतना बस जानना है कि कैसा सा प्रोसेस दिखता है वहाँ पे। बाकी खुलेगा, पढ़े लिखे लोग हो यार, जेई मेंस क्वालिफाई, यार अगर तुम जोसा काउंसलिंग तुम्हें कठिन लग रही है तो इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पहाड़ तुमने तोड़ दिए, ये तो छोटी सी कहानी है ना। मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि प्रोसेस में वो गलतियाँ ना कर बैठे जो शुरू में मैंने बताया था आपको, कई बार वो बच्चे कर बैठते हैं ना, कई बार ना मिस इन्फॉर्मेशन भी रहता है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि एक दोस्त रहता है मान लो कि अरुण है, तो वरुण आके बोलेगा नहीं भाई ऐसा होता है, दूसरा आएगा अभिषेक भैया नहीं ऐसा होता, हमने ऐसा सुना है किसी से, अरे भैया सुने पर भरोसा नहीं करना, अपने को क्या करना, जो बताया न्यू न्यू करके लिखा है चेक करते जाना, दैट्स इट, कहानी क्लियर है। कुछ भी नया रहेगा, कुछ भी बदलाव रहेगा, सब कुछ बताया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को आप रिव्यू कर सकते हैं, आप जो भी है उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, कंफर्म रजिस्ट्रेशन भी करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या है, चॉइस फिलिंग आती है। आप देखो भैया चॉइस फिलिंग के लिए पहले मैंने जो बताया है वो तरीका अपनाइए, खुद ही पेन और कॉपी लेकर के एक अंदाजे के हिसाब से आप खुद लिखिए, फिर जो अंदाजा आपने लगाया उसको वेरीफाई करिए डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट पीडीएफ्स के थ्रू, वो सब अवेलेबल है जोसा के साइट से भी समझ में आ जाता है, ठीक है, उसमें फिल करके देखो, तुम खुद समझ जाओगे, इसमें मुझे बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप एनआईटी भरिए, आपको दिख जाएगा कि आप किस एनआईटी तक जा सकते हैं सेम रैंक पर, ठीक है। एक बार कम से कम इसको यूज़ तो करिए, जोसा वाली जो आपकी वेबसाइट है आपकी ही है, ठीक है। यहाँ के बाद से कहानी भरना शुरू हो जाएगी, ठीक है, चॉइस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, यहाँ पर आएंगे आप, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्या है भैया चॉइस ऑफ पोर्टल कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स, जैसे मान लिया आपको सिर्फ सीएस करना है और कहीं से भी करना है, आप इस मामले में निश्चिंत हो, एक एग्जांपल है, कोई ज़रूरी है नहीं है, कोई सजेशन भी नहीं है, तो आपने प्रोग्राम के तौर पर यहाँ पे सीएस सेलेक्ट करा तो ऑल इंस्टीट्यूट्स में आपको सारे ऑप्शन दिखा देगा, सीएस रहेगा यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखा देगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं भैया मैं अपने इंस्टीट्यूट को क्या करूँगा, आईआईटी करता हूँ, एक बार आईआईटी में देखता हूँ, तो एक बार आप चाहें तो सारी आईआईटी में देख लीजिए, सीएस सारी एनआईटी में देख लीजिए, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, मामला क्लियर है, चॉइस यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ऐड कर लो भैया अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ें देखना, ये इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग, फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद, चॉइस फिलिंग आप कर ले, जो भी सर्च मारेंगे ना ऐड ऐड का ऑप्शन आता जाएगा और फिर इधर दिखता जाएगा, जो करते जाओगे इधर दिखता जाएगा। इसके बाद क्या है, अरेंज फील्ड चॉइस, आपने जो भर दिए उसके अरेंजमेंट के लिए देगा कि अप करना है, डाउन करना है, कि भाई आपको बाद में लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, तो ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं क्योंकि पहले से भी आपने लॉक कुछ करा नहीं हुआ है, तो ये सब में फायदा रहता है अरेंज फील्ड। फिर क्या है, चॉइस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, अच्छी बात है, उसमें रहेगा, अब तो आगे अप डाउन का साइन बना हुआ है, आप ऊपर नीचे ऐसे ही कर सकते हैं। चॉइस रीअरेंज करने के बाद, देखो चॉइस रीअरेंज कर लिया आपने, इसके बाद आप मल्टीपल डिलीशन का भी ऑप्शन दे रखा, आपने सेलेक्ट किया कि नहीं ये तो फालतू हमने डाल दिया था, उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। फिर ये लॉक चॉइस छोड़ दीजिए, ये मत करिएगा, सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, फिर आपको देखिए क्या मिलेगा, एक मिनट, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपने भरा होगा तो कुछ इस तरीके का वहां पे दिखेगा, अभी अप एंड डाउन का साइन बना रखा है उन्होंने ना, आपका ऊपर बना रखा है, डाउन का नीचे बना रखा है, ठीक है, तो ये चीज़ मिल जाएगी पहले। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी, इसके बाद वो आपको क्या देते हैं, ये देते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट। तो पहले ये जान लो क्या है, जैसे आपके पेपर होते हैं, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं ताकि अंदाज़ा लगा पाएं आपका पेपर कैसा आने वाला है, वैसा सही यहाँ पर होगा, सीट आपने जो अपने रैंक के हिसाब से जो भरी थी, अब आपको ये मॉक सीट अलॉटमेंट ये बताएगा तुमने गलत चॉइस भरी थी या सही चॉइस भरी थी, या आपको इस रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज पिछले साल के हिसाब से मिल पाता और जैसी आपके प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से, ठीक है। मॉक सीट अलॉटमेंट इज यूज टू नो दैट द चॉइसेस मेड बाय द कैंडिडेट इज करेक्ट और नॉट अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर डेटा, और उसी के हिसाब से फिर जो चॉइसेस आपने बनाई हैं उसके हिसाब से एक पिक करके दे देगा, भैया तुम्हारा यहाँ कहीं हो सकता है, ठीक है, तो ताकि आपको अंदाजा लग जाए, तो प्लस माइनस 5% आप समझिएगा इसका एक्यूरेसी, ऐसा मत समझना कि 100% सही ही है,
क्लियर है। बाकी सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, बाकी आप चाहें तो मैं इसको दे दूंगा ना, जिसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि देखो भैया अगर जोसा में नहीं हो पाया 6 राउंड्स तक तो अगला एक राउंड आता है दैट इज CSAB राउंड, उसके लिए अलग से भरना पड़ता है, उसको जरूर भर दीजिएगा ठीक है। CSAB राउंड जिन बच्चों का नहीं हो पाएगा वो भर दे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 50,000 रैंक पर कहीं पर मैकेनिकल मिल रही है मान लीजिए, तो अगले बार जब CSAB में देखा गया तो 75,000 रैंक तक भी वो मैकेनिकल मिल जा रही है सेम कॉलेज के अंदर ठीक है जी। तो CSAB तक वैसे भगवान ना करे आपको जाना पड़े, लेकिन यार जाते ही है बच्चे, इतने बच्चे हैं तो सीट्स कम है, तो निश्चित रूप से ये बात तो होनी ही है ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ शब्द कहे हैं आपके लिए, पढ़िएगा, ये सिर्फ हमारे डियर इंजीनियर्स के लिए है। क्या लिखा गया है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं जो अभी दुनिया में एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ बनाते हैं जो अभी तक धरती पर नहीं थी ठीक है। तो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, हालांकि आइंस्टीन साहब वैसे भी बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपको जानना है किसी भी कॉलेज के बारे में जरूर बताइएगा। एक चीज और, एक वीडियो आपके लिए आ रही है जो आपके लिए एक आई ओपनर का काम करेगी ठीक है। तो उसमें मैंने बताया है कि बीटेक क्यों नहीं करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए, कुछ चंगू मंगू कॉलेजेस के हमने धज्जियां उड़ाई हैं, तो उसमें मैं आपका स्वागत करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।